आपका नाम? नहीं, मार्क्स नीचे कर दो, कोई बात नहीं, हम आमने सामने कोई प्रॉब्लम। आपका नाम? दीपक तिवारी। दीपक तिवारी जी, बोलिए भाई, अपना क्या मसला है आपका? हमारे यहाँ की गटर 7-8 साल हो गए। ओके, बीएमसी वाले को बोले तो बोलते हैं हाउस गली तुम्हारी प्राइवेट लैंड। प्राइवेट हाउस गली तो होती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो ठीक है, फिर भी क्या नाम है आपके बिल्डिंग का? 23 भानुशाली बिल्डिंग। अच्छा, और मतलब वो गटर है 25 वडगामा बिल्डिंग। 25 वडगामा बिल्डिंग, वो क्या है मतलब वडगामा बिल्डिंग? वही बिल्डिंग तो बना है हमारे बाजू में, पहले हमारे जन्म से लेके तब तक वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। मतलब आपका ये बोलने का मतलब है आपके बिल्डिंग है जो? अच्छा, वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है या क्या है? अभी तो क्या है पता नहीं सर। चलो ठीक है। अच्छा, बाजू में क्या था वो? पहले पूरा ओपन लैंड था। ओपन लैंड मतलब? ओपन लैंड था, वहाँ कुछ नहीं था। हमारा जन्म पैदा हुआ तब से वहाँ कुछ नहीं था। वो तुम्हारे जन्म तारीख से कब तक? 2008 तक कुछ नहीं था। तो अभी तो 6 माले का बिल्डिंग दिख रहा है हमको। 3 महीने में तो ये बिल्डिंग बनी है। 2008 तक कुछ नहीं था यहाँ। अच्छा, 2008 में बनी है ये बिल्डिंग, मतलब गैर कानूनी बन गई। तो ये प्रॉपर्टी जो बाजू की थी वो प्रॉपर्टी पब्लिक थी या ओपन चौक था, हाउस गली थी, क्या था भाई? पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा ओपन था वहाँ पे। तो पीजी लैंड, पब्लिक ग्राउंड, वो जो भी हो, वहाँ पे पूरा ओपन था, जला हुआ बिल्डिंग था, इतना मुझे मालूम है। तो बिल्डिंग यहाँ पे हमारे जन्म थोड़े बड़े हुए तब सब लोग पूछते ये बिल्डिंग जल गई थी, यहाँ के जब पेरेंट लोग को ट्रांजिस कैंप में दिया हुआ, गवर्नमेंट ने दिया था, और ये जगह को अपना गवर्नमेंट के अंडर में दे दिया। पहले लकड़े का जो बाबू बीएमसी वालों का जो टीका लगता है वो सब अंदर लकड़े वाले थे। तो ये हाउस गली के ऊपर और बाजू में जहाँ ओपन चौक था उधर बिल्डिंग बना दी वडगामा, जो भी है वो। तो इसके लिए आपने शिकायत करी है बीएमसी में कभी? शिकायत क्या की, उसमें जो भी है उसमें गटर साफ करने के लिए बोले तो वो लोग बोलते तुम्हारी प्राइवेट गली है। अरे लेकिन प्राइवेट हाउस गली होती ही नहीं है। मगर वो लोग ऐसा बोलते तो क्या किया जाए उसके आगे? और वो हाउस गली तो गटर साफ हुआ नहीं। हाँ, हमने आपको वीडियो लिया मैंने कि भाई देखो ऐसा ऐसा है ये, तो आपने बोला हाँ ठीक है। तो अभी ये आपका बोलने का मतलब ये है कि ट्रस्ट के गटर साफ होना चाहिए क्योंकि हम परेशान हो गए क्योंकि आज गटर पहले माले तक भरने को बोलता है बीएमसी वाला, अंदर जगह नहीं है जाने की, तो वो बिल्डिंग कैसा खड़ी किया बोलना गटर पे? क्या गलती है वो? नहीं, एक बात बता रहा हूँ, आप लोग ने कभी सवाल नहीं किया? पानी का ड्रम जो बाहर रखते हैं बाथरूम जाने के लिए, वो ड्रम में कभी तो क्या डेंगू मलेरिया के कीड़े दो लोग आते हैं देखने को तो उसमें फाइन मारने की बात करते हैं, और इतना हाउस गली गटर पूरा भरा है उसमें किसी को फाइन नहीं दिख रहा कि किसको फाइन मारने का क्या करने का, क्योंकि गैरकानूनी इमारत बन गई है उसके ऊपर। वो तो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे है, हम तो वही बोलेंगे क्योंकि इतना सब कुछ हो गया किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात हम तो हमारा यही है, हमारा गटर साफ हो जावे, हमको और कोई तकलीफ नहीं है। जब बीएमसी को इतनी बड़ी बिल्डिंग से नहीं तकलीफ है हमको उससे नहीं, लेकिन हमारा गटर साफ होने से हमको मतलब है। लेकिन आपका भी तो राइट्स है ना, अगर बाजू के बिल्डिंग वाले हो आप, टेनेंट हो बाजू की बिल्डिंग के, बराबर आज आपकी बिल्डिंग और वो बिल्डिंग में आपने जैसा बताया मुझे गैप नहीं है, अल्लाह ना करे कभी कुछ आग लगती है या कुछ हादसा होता है, तो तुम्हारे को ये मालूम है आप क्या से कोई एंगल से बचने का कोई ऑप्शन नहीं बचता? कोई ऑप्शन नहीं है। बाजू में तो हाथ अपन लगा रहे तो लग रहा है 1 फुट का भी मतलब जगह बीच में छोड़ा, 1 इंच का जगह नहीं है जाली के हमारे जो है सब। वो तो हमने देखा, हमने वीडियो भी बनाया वहाँ। क्या आपकी बिल्डिंग वडगामा बिल्डिंग का ओरिजिनल नाम क्या है? पहले तो 25 भानुशाली बिल्डिंग था, चौली भानुशाली ट्रस्ट, मतलब आप जो बिल्डिंग में रहते हो टेनेंट हो वही ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को गई, गवर्नमेंट से इन लोग ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया। क्या किया तो कब्जा ही, सीधी सी बात है वो। चलो खैर, हम इंशाल्लाह आपकी बात पूरी कोशिश करेंगे कि हम मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाए, और अपना मुंबई पुलिस कमिश्नर हो गया और मुंबई के अपना मेयर हो गया, हम उनसे आपकी भाई ये जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं वारिस अली सैयद, द येल्लो प्रेस। थैंक यू।